हे फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम बिंदास होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना, तो जो मेरे सामने बिल्डिंग है ना, वहाँ पर है सुंदरकांड का पाठ। और मैंने ना जस्ट यहाँ पर जो हवन था ना, तो मैंने ऐसे ही बालकनी से ही उनको इनवाइट कर दिया था कि हवन में आ जाना, खाने पे आ जाना। तो वो सामने जैसे होता है ना, हमने सामने से बात कर लेते हैं, तो ये चीज़ें थी। तो उन्होंने मैंने उनको इनवाइट किया था। और पता है, मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाई थी क्योंकि सबको देख रही थी ना, सारी चीज़ों को देख रही थी। हालांकि वो हवन में आई थी, हवन में आके प्रसाद उरसाद लेके चली गई थी, और खाने पे नहीं आई थी क्योंकि यार उनको भी ऑकवर्ड लग रहा हो कि सिर्फ बालकनी से इन्वाइट किया है। बट अभी सामने बिल्डिंग में आज उनके सुंदरकांड है, तो उन्होंने भी मुझे बालकनी से इन्वाइट किया है। बट एक्चुअली पता क्या है, हम लोग जाते नहीं तो बालकनी से ही। तो मेरा ये बनता है कि मेरे को भी जाना चाहिए, ठीक है? तो मैं जिस काम वाम करके ना 2 बजे लेट गई थी, अभी 2:45 हो रहे हैं। मैं प्रेस कर लेती हूँ अपने सूट पर ऑफिस सामने वाली बिल्डिंग में, लग तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। मतलब या तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्टार्ट हो गया नहीं हुआ। 2 बजे का टाइम दिया था, 3 बज गए हैं, और 3:30 बजे तक मैं जाऊँगी क्योंकि सूट वूट प्रेस करके तैयार जाती हूँ। तो वहाँ जाती हूँ और देखती हूँ, मतलब लग रहा है ना अजीब सा। तो चलो जल्दी जल्दी प्रेस कर लेते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स, मैं रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पोपट ना हो जाए। पता नहीं उन्होंने कल के लिए बोला था यानी आज के लिए बोला था, क्योंकि दरवाज़ा बहुत देर से मैं देख रही हूँ, बस खुला ही नहीं है, कोई बालकनी में आया ही नहीं है। और मेरे को ये टेंशन हो रही है कि पता नहीं है या नहीं है, मैं तो कभी गई भी नहीं उस बिल्डिंग में, मुझे सीढ़ियाँ भी नहीं पता, यहाँ समझ में नहीं आ रहा। तो पहुंच गई हूँ मैं सुंदरकांड में, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी स्टार्ट होता, मुझे पूरा पूरा पढ़ने को मिलेगा। जितना भी हो सका मैंने कैप्चर करा है, आप लोग देखना, क्योंकि ज़्यादा तो मैं कैप्चर नहीं कर सकती थी ना, थोड़ा सा लगता है ऑड। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लो तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। पता है, मुझे स्टार्टिंग से जैसे कि शुरुआत होती है ना, मतलब स्टार्ट ही हो रहा था, मेरा मन था कि मैं पूरा जो सुंदरकांड का पाठ होता है पूरा पढूं शुरू से लेके एंड तक। तो मेरा तो मन था, लेकिन जब तक कि बालाजी की मेहर ना हो ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब उन्होंने 2 बजे का बोला था, मैं 3:30 बजे गई थी जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी। तो तभी ना वो बस वो जिनके घर में था ना, वो पूजा वूजा कर रहे थे, और उसी के बाद स्टार्ट हुआ। तो
काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया। क्योंकि यार अच्छा लगता है, जब तक आपका बुलावा नहीं होगा ना आप कहीं नहीं जा सकते। और वैसे भी बालाजी के भक्त हैं भाई हम तो, ठीक है, मतलब सभी के भक्त हैं लेकिन बालाजी के भी भक्त हैं। तो अब मैं ना जोत जलाऊंगी, अपने सारे काम कर लेती हूँ, अभी आई हूँ मैं, कपड़े वपड़े में बाद में चेंज करूंगी। अब है ना मैं फटाक से ना झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, सारे काम अपने कर लेती हूँ, ठीक फ्रेंड्स है। मैं आ गई हूँ, प्रसाद मैंने रख दिया है। और मेरे को पता है आज ना को मेरे को पता है, जा रहा है तू, जा रहा है, मेरे को तो क्या टेंशन हो रही थी क्या कि मैं आई हूँ, मैंने प्रेस करी है ना तो मैंने प्रेस चालू छोड़ दी। और पता है क्या